आज देश में छठे चरण का मतदान है, एक चरण और बाकी है और 4 जून को वोटों की गिनती है। मैंने और हमारे परिवार ने अपना मतदान किया है और मैं सब देशवासियों से, जहां भी चुनाव चल रहे हैं, तमाम हरियाणा वासियों से, हमारे सिरसा पार्लियामेंट के सभी साथियों से ये विनती और प्रार्थना करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। हमेशा पिछले अगर 3 बार का देखें तो सिरसा ने सबसे ज़्यादा मतदान पूरे हरियाणा के अंदर किया है और उम्मीद के अनुरूप मैं समझता हूँ कि इस बार भी सबसे ज़्यादा मतदान यहाँ होगा। लोकतंत्र का ये पर्व है और इस बार देश ने मन बना लिया है कि हम 3री बार देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। देश बनाने के इस चुनाव में हर व्यक्ति, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर है, चाहे हमारा किसान मजदूर है, गरीब आदमी है, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे हमारे कर्मचारी साथी हैं, छोटे छोटे दुकानदार साथी हैं, पूरा आज जो हमारा सामाजिक ताना बाना है वो एक सूत्र में पिरो करके, अभी मैं अंदर सुन रहा था, लोग कह रहे थे जी हमारी पहली वोट तो देश को है, तो जैसे कहते हैं कि पहली रोटी गाय को, पहली सैलरी माता जी को और पहली वोट भारत माता को, यानी कि देश को। तो देश को अगर सब वोट देंगे तो पूरी दुनिया के अंदर जैसे मोदी जी ने नाम रोशन किया है पूरे भारतवर्ष का, आज चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश की हिम्मत नहीं होती कि वो हमारे गलत निगाहों से देख सके। आज ख्याति पूरे इंटरनेशनल स्तर पर है, तो पूरी दुनिया की नज़र इस चुनाव पर है, देश देश की नहीं है। और जितना मजबूत जनादेश के साथ मोदी जी 3री बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उतना मैं समझता हूँ कि हमारा वर्चस्व पूरी दुनिया में होगा। आज 100 करोड़ लोग वोट दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा और सबसे युवा लोकतंत्र है, तो इसलिए मैं तो आश्वस्त हूँ कि सिरसा के लोग पिछली बार 3,08,000 वोटों से जिताया था, इस बार मुख्यमंत्री जी, नायब जी आए, मनोहर लाल जी आए और पार्टी का शीर्ष नेता आया, योगी जी आए, योगी आदित्यनाथ जी आए, जो भी नेता यहाँ पर आया सबने आश्वस्त किया कि ये सीट हम 6,51,000 से कम जिता करके देंगे। तो बाकी तो मैं समझता हूँ कि लोग यहाँ पर धक्के से आए हैं, लोग छोड़ छोड़ करके भागे हुए लोग हैं यहाँ से, 28 साल पहले जब हराया था उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिए, फिर वो जहाँ गए वहाँ पर उस कॉन्स्टिट्यूंसी को ख़राब करके आए। एक मॉडल आज कांग्रेस के अंदर देखने को मिलता है, आज एक मॉडल देखने को मिलता है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी ख़राब करो, दूसरी में जाओ, दूसरी से तीसरी में जाओ, लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगा देश कांग्रेस मुक्त भारत चाहता है। देश गांधी जी के उस कथन को पूरा करेगा जब उन्होंने कहा था कि आज़ादी के लिए कांग्रेस पार्टी बनी थी, इसलिए इसको डिसबैंड कर देना चाहिए। तो आज इस चुनाव में वही देखने को मिलेगा और ऐसे लोगों को अब पाकिस्तान के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और जगह उठ सकता। सर 2014 2019 में जिस तरह का माहौल था, 2024 में आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष इकट्ठा है लगता नहीं थोड़ा मुश्किल है कि 400 पार भी नहीं होगा, 200 पार भी नहीं होगा, ये मुश्किल है। देखिए ये लोग वो हैं जो मुँह में राम रखते हैं और बगल में छुरी रखते हैं, वैसे तो ये राम के अस्तित्व कोई चुनौती देने वाले लोग हैं, तो ये आपस में भी कोई, मुझे नहीं लगता ये परिवार कोई एक साथ है, इसमें आपस में इतना खुद वो है, पार्टियों के अंदर आपस में इतनी गुटबाजी है, अनुशासनहीनता, वो रोज़ आप देख रहे हो, रोज़ तो लड़ते हैं, कभी टवाना में लड़ते हैं, कभी कहीं लड़ते हैं, रोज़ लठम लट्ठा, तो ये लठतंत्र को कोई पसंद नहीं करता। देश आज संविधान के हिसाब से, बाबा साहब के संविधान में जो अधिकार दिया है कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होना चाहिए, आपके वोट से पैदा हो, मैं समझता हूँ पूरा देश आज अपना जो प्रतिनिधि है, आज के समय का राजा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जो जनसेवक है वो अब परिवारवाद से पैदा नहीं होगा, चाहे कहीं भी हो, पूरे हरियाणा में भी परिवारवाद साफ होगा और देश में भी परिवारवाद साफ। देश दुनिया की तमाम खबरों नाल जुड़े रहने लिए सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे सच कहूं पंजाबी चैनल, इस दे नाल ही बेल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।